लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 42 रामनगर हॉस्पिटल वाली गली का ये मामला है, जहां पर नगर निगम पर 550 मीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत 84,35,000 रुपए है। अब आप स्वयं देखिए कि यह सड़क कैसे बनाई जा रही है। जी हाँ, इस सड़क का निर्माण ठेकेदार महेश चंद्र उर्फ महेश गोला के द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य इसका सुपरवाइजर अनुराग के द्वारा देखा जा रहा है और इसके इंजीनियर है नगर निगम के अधिकारी राजेश कुमार। आप देख सकते हैं कि किस तरह नाली का पानी डालकर इस सड़क को बनाया जा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि इसमें सीमेंट की मात्रा कम लगाई जा रही है। जो पाइपलाइन के लिए एक बड़ा मैन होल बनाया गया था, वह भी खुला पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 84,35,000 रुपए की सड़क बनाने के लिए क्या ठेकेदार के पास पानी नहीं है, जो नाली का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या करें, सब लीपा पोती है। फिलहाल नगर आयुक्त ने वहां निरीक्षण किया, लेकिन तब तक ठेकेदार ने वहां सारी कमियों को सही करा दिया और निरीक्षण के दौरान कोई खामी नहीं मिली। लेकिन सच्चाई जो है वो मीडिया के कैमरे से नहीं छुप सकती, और किस तरह नाली के पानी किससे सड़क बनाई जा रही थी और जनता बोल रही है, यह कैमरे में कैद है। नाम है आपका? मेरा नारायण सिंह है। नारायण सिंह जी, जो सड़क बन रही है आपकी गली में, कौन सी गली है, क्या नाम से है? सूर्य वाली गली बोल रही है। 84 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है, क्या स्थिति है इसकी? अब स्थिति का बताओ, वहाँ तो माल खूब लगा रहे हैं, सीमेंट ही कमी है यहाँ। बस सीमेंट नहीं डाल रहे, सीमेंट कम डाल रहे हैं, दो थैला डाल रहे हैं। अगर सीमेंट नहीं डालेंगे तो मजबूत कहाँ से होगी फसल लगे? बस वही कमी है, मैंने चपरा चपरी कर रहे हैं। आज हम सीमेंट ना और बढ़ा दें तो जी लोग है जाए बिल्कुल। नहीं सर, 84 लाख रुपए भी तो बहुत होते हैं एक गली के लिए। तो जी बोर्ड तो बना जी, आज देखो या हम भीतर करो, बोर्ड तो लगा नहीं था। बोर्ड तब से बोर्ड नहीं लगाओ, बोर्ड तो जी रात जाते लगाए गए हैं, नावत निकाल के। और आप आवत रहो बाहर, हम तो देखो आप बाहर निकल के आए हैं, तो भीतर बैठे। ये रामनगर हॉस्पिटल की गली है। क्या करते हैं आप यहाँ? यह मेरी दुकान है। अच्छा, ये सड़क बन रही है 84,35,000 रुपए की लागत से। हाँ, क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि इतना तो हमें नहीं पता कि रुपए कहाँ लगेंगे, लेकिन ये है कि पैसा ज़्यादा है और जगह कम है। 500 मीटर जगह है तो गली भी बननी चाहिए अंदर की, लेकिन वो नहीं बन रही। आकाश जी, ये सड़क बन रही है हॉस्पिटल वाली गली में, यहाँ ये गड्ढा खोद रखा है, कब खोदा गया था? जगह कम था, 10-15 दिन खुला ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा हो खुलो, अगर कोई इसमें गिर जाए तो? अब तो भाई देखे नगर निगम भाई, बारिश हो जाती है, पानी भर जाता हुआ पानी बच जाता है। तो शिकायत की आपने? यहाँ का आपने शिकायत करी? तो ऐसे पड़ा तो ऐसे पड़ा है, दिक्कत तो होती है। किनते क्या रास्ता बनाई जा चक्कर में ना गहरे का होते हैं। तो अपने ढक्कन तो लगाना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए, लगाओ ही ना मैंने। अच्छा, आप बता रहे थे कि पहले 15,000 खर्च कर दिए, पहले यहाँ एक गड्ढा खोदो अलग, और फिर यहाँ जी अलग भाव है। दो तीन दफे भाई बाबू जी तो मऊ खुद तो पर जामे पेपलान डरी ना भाई, पानी लापरवाही है। नहीं है, हाँ लापरवाही है बिल्कुल। द्वारा रामनगर में हॉस्पिटल वाली गली 500 मीटर सड़क बनाई जा रही है 84,35,000 रुपये की लागत से। वहाँ नाली के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था सड़क बनाने में, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया था सर, क्या पूरा रहा? देखिए, ये रामनगर में एक CC रोड बनाई जा रही है, जिसका जो एस्टिमेट है उसका प्रॉपर परीक्षण के उपरांत उस पर निर्माण का कार्य हो रहा है। इस काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभियंतागण द्वारा, मेरे द्वारा, माननीय महापौर जी द्वारा लगातार निरीक्षण किए जाते हैं। कार्य की गुणवत्ता अच्छी है। आपके द्वारा जो बताया गया है कि नाली के पानी से उसका बनाया जा रहा है, हमारे निरीक्षण में ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। हमारे JE भी निरंतर उसका निरीक्षण करते रहते हैं, तो ऐसा कोई स्थिति नहीं पाई है। उसकी गुणवत्ता अप टू दी मार्क है। सर, एक वहाँ ट्यूबवेल बना था, उसके गड्ढा भी खोल रखा हुआ था, उसके बारे में सर? हाँ, वो गड्ढा नहीं है, वो जो वाल्व है पेयजल सप्लाई का, उसको उसके लिए चैम्बर बनाया गया है। उसके चैम्बर का जो चैम्बर का निर्माण हुआ, उसका स्लैब उस पर डाला जाना था, तब तक उसको अस्थायी रूप से ढकवाया गया, उस पर स्लैब शीघ्र ही रखवाया जाना है।